हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ में एक सेलिब्रिटी की तरह सक्सेस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इतना पैसा हो कि उसको रखने के लिए आपके पास एक अलग से कमरा बनवाना पड़े, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इतना नेम, फेम, पावर, शोहरत हो कि आपके जो दुश्मन है ना वो भी आपकी सफलता से प्यार करने लगे, तो उस ये आप कैसे इस रियलिटी को आप अचीव कर सकते हैं, कैसे ये चीज़ आप अचीव कर सकते हैं, आज इस वीडियो में उन्हीं सीक्रेट्स को हम लोग समझेंगे। मैं विवेक राठौर, ऑथर एंड न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन 5 सीक्रेट्स के बारे में, उन 5 एस्पेक्ट्स के बारे में जो आपको एक लेजेंडरी सक्सेस को प्रोड्यूस करने में 100% गारंटी के साथ आपको हेल्प करेंगे। सो फैक्टर नंबर 1 इज, सबसे पहले आपके पास एक रिटन गोल होना चाहिए। आपको आपका एक गोल होना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, आपको अपनी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, और ये बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए। जैसे अगर आप बोलो कि आपको अमीर बनना है, तो आप ज़िंदगी में कभी अमीर नहीं बनेंगे, क्योंकि अमीरी कोई बहुत प्रिसाइज चीज़ नहीं है। अमीरी जैसे जो फाइनेंस की जो चीज़ है, वहाँ पे आपको एक नंबर मेंशन करना पड़ेगा कि आपको कितना नेटवर्थ चाहिए, कितनी सेविंग चाहिए, कितना मंथली इनकम चाहिए, तो ये बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए। अगर आप बोलो कि मेरा लक्ष्य मुझे सफल होना है, अब आप कभी सफल नहीं होगे। ये सब वॉक चीज़ें होती हैं, ये बस सुनने, कहने, बोलने में अच्छी लगती हैं, लेकिन आप इस तरह के लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर सकते। सो अब बात आती है कि फिर हमारे जो गोल हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं, वो कैसे होने चाहिए। वो बिल्कुल क्लियर टर्म्स में होने चाहिए, और आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसको आपका ब्रेन सपोर्ट करे। बस आप सोचिए कि ठीक है, किसी ने बोल दिया गोल बनाना है, अब गोल बना लें, अब आप कुछ लिख लेंगे, अचीव कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अपनी लाइफ को स्टडी करना है, आपको अपने आप को समझना है, आपको अपने पैशन को समझना है, आपको अपनी पर्सनालिटी को समझना है, आपको अपनी डीपेस्ट डिज़ायर को समझना है। जब इतना एक्सप्लोर करने के बाद जो आप गोल सेट करते हैं, उसके अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, और वो बिल्कुल क्लियर टर्म्स में होना चाहिए। अगर आपके फाइनेंशियल गोल हैं तो वो क्या नंबर है, अगर आपके कुछ उस तरह के गोल हैं कि आपको अपने करियर में यहाँ तक पहुँचना है, तो उसका कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए कि किस टाइम तक आप अचीव करना चाहते हैं। उसको बिल्कुल प्रिसाइज, जैसे आपके प्रेजेंट लाइफ की रियलिटी है, आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखिए, उसकी लाइफ की रियलिटी को देखिए, उसको लिखिए, और वो आपका गोल हो सकता है। ये बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए। देखिए, अगर आप अपना गोल लिखना चाहते हैं, तो उसका मैं आपको बहुत सिंपल फ्रेमवर्क बताता हूँ। सबसे पहले अपना लाइफ टाइम गोल लिखिए। लाइफ टाइम गोल का मतलब, आपको जो भी लगता है कि आप इस लाइफ से जो भी हाईएस्ट सक्सेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे उसमें आपको यकीन हो या ना हो, उसकी चिंता मत कीजिए। सबसे पहले आप वो स्टेटमेंट लिख दीजिए कि ये मेरा लाइफ टाइम गोल है। एक बार आपने अपना लाइफ टाइम लिख लिया, उसके बाद आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखिए, और देखिए कि आपकी लाइफ में किस शिफ्ट की ज़रूरत है, आपका क्या स्ट्रगल पॉइंट है, और आपका जो स्ट्रगल पॉइंट है अगर वो इम्प्रूव हो जाए, वो रियलिटी पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, तो आपकी लाइफ का हकीकत क्या होगा। तो वो आपका एक तरीके से शॉर्ट टर्म गोल होगा, जो कि आप एक महीने में, कुछ महीने में या साल में अचीव कर सकते हैं। तो एक तो इस पर वर्क कीजिए, और एक लाइफ टाइम गोल अपना लिख के रखिए। दिस इज़ द बेस्ट फ्रेमवर्क। इसी के साथ हम आते हैं सीक्रेट नंबर 2 पे। इसको बोलते हैं द वन थिंग, या द वन थिंग फोकस। आपको लाइफ के हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अपना वन थिंग पता होना चाहिए, और आपका ये जो वन थिंग है, ये आपके गोल से, आपके आउटकम से मैच करना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपने फाइनेंशियल गोल बनाया है, तो उस फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए अब आपको एक्शन क्या करना है, आपका वन प्रोफेशन क्या होने वाला है, वन स्किल क्या होने वाला है, आप उस फाइनेंशियल गोल को किस बिजनेस से, किस स्किल से, किस सर्विस से अर्न करेंगे। तो आपको अपना द वन थिंग क्लियर होना चाहिए कि आपका वन थिंग क्या है, किससे आप उसको अचीव करना चाहते हैं। क्या आप जॉब से उसको रिलेट कर रहे हैं, क्या आप बिजनेस से उसको रिलेट कर रहे हैं, क्या आप किसी और सर्विस स्किल से रिलेट कर रहे हैं। तो आपको वन थिंग को डेमोन्स्ट्रेट करना है। जैसे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका वन थिंग बहुत क्लियर होता है। उनकी जो मेन इनकम होती है, जैसे उनकी चाहे एक्टिंग स्किल हो, सिंगिंग स्किल्स हो, वो क्रिकेटर हैं, ये उनका वन थिंग होता है। इसी तरीके से आपको अपना वन थिंग आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से फैक्टर पे, कौन से स्किल पे, आप कौन से प्रोफेशन पे आप एक बड़ी सक्सेस को बिल्ड करना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड फैक्टर की, एंड द थर्ड फैक्टर इज द फेथ। आपने गोल सेट कर लिया, वन थिंग आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको अपना फेथ शो करना है, भरोसा दिखाना है। किसके ऊपर?
खुद के ऊपर, अपने पाथ के ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर, जो भी आपकी लाइफ में मेंटर्स रहे हैं उनके ऊपर, और जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने इस गोल को अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा लर्निंग किया है उसके ऊपर आपको फेथ शो करना है। और अगर आपने अपने अपने लक्ष्य को, अपने गोल को हासिल करने के लिए कुछ और नहीं सीखा है, अगर आपको लगता है कि जो आपने स्कूल में पढ़ लिया, कॉलेज में पढ़ लिया, वही बहुत है, उसके बेसिस पे आप शाहरुख खान बन जाएंगे, आमिर खान बन जाएंगे, तो ये आप कल्पना में बन सकते हैं, हकीकत में नहीं होने वाला है। जो हमारी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई होती है वो आपको एक जॉब तक दिला दे, वही बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप एक सेलिब्रिटी की तरह सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी सेल्फ इमेज पे, अपने बिलीफ सिस्टम पे, अपने हैबिट्स पे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा, आपको अपने आप को इवॉल्व करना होगा। अगर आप उतना तैयार हैं तभी इस रास्ते पे आगे बढ़िए, और आपको फेथ शो करना है, क्योंकि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, सारे इस प्रोसेस से गुजरे हैं, आपको भी इसी रास्ते पे चलना होगा। फैक्टर नंबर 4 इज़ स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। कई लोग गलती क्या करते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं, बड़े सुनहरे, बड़े गोल्डन, बड़े हीरा मोती वाले, लेकिन उनके पास उसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, और वो सोचते हैं कि अफर्मेशन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, लोग बोलते हैं अफर्मेशन से हो जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हो जाएगा, और वो होना कुछ है नहीं। अगर आपको कार बनानी है तो केवल पहिया लेके घूमने से कार नहीं बन जाएगा, एक कार में पहिया भी चाहिए होता है, उसकी बॉडी भी चाहिए होता है, उसका इंजन भी चाहिए होता है, उसका हैंडल भी चाहिए होता है, बहुत कुछ चाहिए होता है। सो ठीक उसी तरीके से सक्सेस के बहुत से एलिमेंट होते हैं, तो उसका जो फैक्टर नंबर 4 है, एलिमेंट नंबर 4 है, दैट इज़ प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। जो भी आपने गोल बनाया है उसको अचीव कैसे करोगे आप, उस पर आपको उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और आपको रेडी रहना है कि वो स्ट्रेटजी फेल भी होगी तो आपको उस स्ट्रेटजी को चेंज भी करना है, इस चेंज करना है, तब तक चेंज करना है जब तक आप डिजायर्ड सक्सेस को अचीव ना कर लो। सो दिस इज द प्रोसेस। फैक्टर नंबर 5 इज परसिस्टेंस। जब आप सारे फैक्टर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, जब आप एक गोल सेट करते हैं जो कि बहुत प्रिसाइज और बहुत इफेक्टिव और बहुत रियलिस्टिक होता है, जब आप अपना वन थिंग फोकस समझते हैं, जब आप फेथ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जब आपके पास एक इफेक्टिव प्लानिंग स्ट्रेटजी है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके बाद आपको जो ज़रूरत पड़ती है पेशेंस की, परसिस्टेंस की। आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि कई बार जो बड़ी सफलता होती है वो टाइम लेती है, ऐसा नहीं कि आपने बस शुरू किया और आपको रिजल्ट आने शुरू हो गए, वो पेशेंस लगता है। सो ये 5 फैक्टर्स हैं जो आपकी बड़ी सक्सेस को इंश्योर करते हैं। ये जो वीडियो है ये पुरानी एक वीडियो का पार्ट 2 है। टोटल 10 फैक्टर्स होते हैं, जो पिछले पार्ट में 5 फैक्टर्स मैंने बताया था और ये 5 फैक्टर्स हैं। अगर आप उन 10 फैक्टर्स को अगर आप यूज़ कर लेंगे, अगर आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे अपने थिंकिंग में, अपने एक्शन में, अपने बिहेवियर में, अपने रूटीन में लाएंगे, तो आप बड़ी से बड़ी सक्सेस प्रोड्यूस कर सकते हैं विथ 100% अश्योरिटी। सो जो दूसरी वीडियो, उसको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लिंक दिया होगा, आप वहाँ पर जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। आपकी सफलता, खुशी, तरक्की के लिए मैं ऐसी मेहनत करता रहूँगा। बहुत बहुत थैंक यू।